चलो इसी बहाने अख्तर का घर भी देख लेंगे। हाँ यार दोस्तों, शिराजी विलेज व्लॉग के लिए बहुत दिन से रिक्वेस्ट आई थी और मैंने जैसे इनका चैनल ओपन किया सामने एक व्लॉग आया, भाई शोएब अख्तर से मिल लिए, तो देखते भाई कैसा रहा इनका मुलाकात और एंड में बहुत सारी बातें करेंगे, बने रहा। हियर वी गो। कहते हैं शिराज यार कौन है, अब सबको पता है शिराज कौन है, वहाँ भी तुम्हारे बड़े फैन है पूरी दुनिया में, पता है तुम्हें अमेरिका में कनाडा में सारे पूछते हैं शिराज शिराज के बारे में। क्या बात है, शोएब अख्तर का घर है क्या ये? हाँ लगते से रहा। अरे बहुत फाल डाल दिया यार, बच्चा है भाई। अरे वाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आज हम तैयार बैर होके कहाँ जा रहे हैं आपको पता है? मैं जा रहा हूँ जी शोख्ता आफ्ताब से मिलने। मैं आपको जो शोख्ता आफ्ताब से जा रहा हूँ, शोख्ता आफ्ताब आपको एक और एक किताब से मिलवाता हूँ पाकिस्तान टीम के। देखो इधर एक किताब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो शिराज? मैं ठीक हूँ, आप क्या कर रहे हैं? ये कोई और क्रिकेटर से मिलने आया हूँ। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अरे ये भी क्रिकेटर है, मैं जानता हूं। इंटरनेशनल प्लेयर हूं। वालेकुम, मैं हूं असीबुल्ला और मैं इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम का, और मैं आया हूं शिराज से मिलने। आप दोनों मेरे व्लॉग, क्या बात है, मैं तो आपका हर व्लॉग देखता हूं, बहुत मजा आता है। आप लाइक करते हैं, लाइक फॉलो सब कुछ करते हैं, आप भी देखते हैं कमरान भाई? मैं तो बिल्कुल देखता हूं, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूं। शेयर करते हो नहीं करते? शेयर करता हूं, मुझे बहुत मजा आता है आपका व्लॉग। ये नसीम शाह के सिटी से लगता है, वैसे ही बोल रहे हैं। है देखो, तो अभी चलो चलते हैं शख्तर अख्तर से मिलने। अभी शख्तर अख्तर से मिल के बहुत खुश हूँ, तो अभी हम शख्तर अख्तर से मिलने जा रहा है। शख्तर अख्तर बहुत प्यारा लग रहा है ना, जो बोल रहे क्या बात है। तो दोस्तों फाइनली हम शख्तर अख्तर के घर पहुँच चुके हैं, शख्तर अख्तर से मिलने के लिए, तो चलो देखते हैं। तो ये है जी शख्तर अख्तर, चलो इसी बहाने अख्तर का घर भी देख लेंगे। यार तो हम पहुंच चुके हैं जी शख्तर अख्तर की घर। मुस्कान भी है, मुस्कान आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुस्कान आप सलाम करोगे? करोगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद खैरियत होंगे। ये देखो ये भाई है, बाबा है, ये घर चले बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। क्या हाल है? ठीक है, कैसे हो? क्या नाम है मेरा? शोएब। आप लेकिन बॉलिंग खतरनाक करते हो। हाँ ना, मारता हूँ ना बॉलिंग ऐसे करते हो। शोएब अख्तर का बेटा है क्या पीछे? हाँ यार लगते सर है। मेरा दिल करता था बैट्समैनों को मारूं, जब आउट नहीं होते थे ना, दिल करता मैं यहाँ पे बॉल मारूं। हाँ ना, तो फिर बड़े बड़े बैट्समैनों को ना फिर मैं मारता था। तुम्हें फास्ट बॉलिंग अच्छी लगती है? फास्ट बॉलिंग अच्छी लगती है, तेज बॉलिंग जो मैं करता हूँ। हैं, क्या देखा था फास्ट बॉलिंग? किसको मारते हुए देखा था मैं जब बॉलिंग कर रहा था? किसको मार रहा था? नहीं बॉलिंग मार रहा था, विकेट को मार रहा था। वो तो मेरा निशाना नहीं होता था विकेट, मैं तो मुझे लगता है बैट्समैन बिकते हैं, उनको मार। वाह, इतना सच भी नहीं बोल रहा था। सारे लोग प्यार कर रहे हैं तुम्हें, अच्छा लग रहा है ना? फिर आप इतना फेमस हो गए हो, बड़े होके क्या बनोगे आप? बड़े होके तो पता नहीं, बड़े होके बताऊंगा। अभी बन गया वो ब्लॉगर। नाम तो पता चल जाएगा ना बड़े हो गए तो। यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है ना, गिलगित बल्तिस्तान के भी लड़के हैं वहाँ से भी आए ना, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं ना बड़े तगड़े होते हैं, मतलब स्ट्रांग होते हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। पख्तून हों, गिलगित बल्तिस्तान की हों, वहाँ के लोग हैं जींस बड़े अच्छे होते हैं, वहाँ से स्ट्रांग। तुम्हारा कितना, ये बात तो है, कितना स्ट्रांग है, ये देखो कितना सख्त है। वहाँ से फास्ट बॉलर है वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, मेरा जो स्पीड है वो तोड़ सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लोग आने चाहिए ना, आने चाहिए ना, तो मुझे कभी यहाँ पे आ जाए, हमें भी वहाँ जाना चाहिए ना। मुझे कोई बुलाता ही नहीं बल्तिस्तान में, मैं बुलाऊंगा। ख्वाहिश है यार, मैं आऊँ तो लोगों से मिलूंगा, कभी उन लोगों से मिला भी नहीं। अब तक फोन देते उसी से बनाता। मैं तेज बॉलिंग पता कैसे करता था? यहाँ से, दिमाग से,
यहाँ से मैं सोचता था मैं दुनिया का तेज स्पिन फास्ट बॉलर बनूंगा, और जो मेरे सबसे फेवरेट खिलाड़ी थे जिनकी वजह से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, इमरान खान, उनके साथ खेलूंगा, लेकिन वो तो रिटायर हो गए। फिर मेरे फेवरेट खिलाड़ी थे वकार यूनुस, फिर मैं कहा मैं उनकी तरह बनूंगा, तो फिर मैं उनकी तरह बन गया। मुझे पता नहीं। हाँ इमरान खान, हाँ हाँ, उनकी वजह से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, मैं सोचा मैं उनके साथ खेलूंगा, वो तो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने ही मुझे पिक किया था। एंड वो जब मेरे 19 साल का था ना, तो वो एक कैंप लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा देश को खिलाओ, वो 94 की बात है, तो लेकिन उनकी बात नहीं सुनेंगी, मुझे फिर बहुत लेट खिलाया। लेकिन मैं जब खेला तो मैंने कहा यार मैं अपने जो मैं जिनको सबसे ज़्यादा पसंद करता था क्रिकेटर, वकार यूनुस थे, तो मैं कहा उनकी तरह बनूंगा, उनकी तरह मैं करूँगा। मुझे क्या पता मैंने उनको, मेरी वजह से वो टीम से बाहर हो गई। मैं इतनी तेज़ बॉलिंग करता था कि मैंने कहा यार कि मैं लोगों को डराऊंगा, फिर डराया। कितने भाग गए, कितने ध्यान से सुन रहा था वो बात लिटरली। लेकिन मज़ा ये आता था कि मुझे सबसे ना सबसे जो इंडिया पाकिस्तान या कहीं पे भी जो लोग होते हैं ना, मुझे सबसे प्यार है, मुझे सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बॉलिंग करता था ना तब नहीं अच्छे लगते, बॉलिंग के टाइम नहीं कोई भी अच्छा लगता, ऐसे मुझे सारे अच्छे लगते। बॉलिंग के साथ जब कोई आ जाए ना, फिर मैं कहता था यार इधर 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 तोड़ू सबका, बॉलिंग बॉले मारता था। सौरभ गंगुली कहता था यार नीचे बॉलिंग कर, यार विकेट नीचे हैं, इधर विकेट थोड़ी लगी है, तुम इधर क्यों बॉलिंग मारते हो। तो मज़ा आता था यार। आपको कौन सी ग्राउंड में खेलना पसंद है? मुझे पिंडी जहाँ से मैं आता हूँ, और मेलबर्न, MCG और केप टाउन। हाँ तुम जाओगे मेरे को? मैं ना जाओ ना यार, वहाँ भी तुम्हारे बड़े फैन है पूरी दुनिया में, पता तुम्हें अमेरिका में कनाडा में सारे पूछते हैं शराज शराज के बारे में, आपको पता है? कनाडा, हाँ कनाडा भी सारे पूछते हैं तुम्हारा भाई, तभी कहते हैं शराज यार कौन है। फेमस तो बहुत हो गया शराज, ये तो है इंटरनेशनली फेमस। पता है शराज कौन है? कनाडा में पता है, अमेरिका में पता है, पाकिस्तान में पता है, अभी इंडियंस को भी पता चल जाएगा। हाँ ना, तो इंडियंस भी बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मुझे बॉलिंग करना सिखाओ ना, कैसे करते हैं? बॉलिंग टैलेंट होता है ना यार, करके दिखाऊं? चलो मैं तुझे बात करके भी दिखाऊंगा। मुझे बुलाओ ना यार, गिलगित बल्तिस्तान बुलाओ ना यार, मुझे इतना लोग अच्छा लगता है। शोएब अख्तर ने मेंटेन अच्छा कर रखा है खुद को, अच्छा लगता है मुझे, बॉडी भी बढ़िया यार, जब बोलोगे तब तब मैं आ जाऊंगा यार। मैं वाकई में कह रहा हूँ, मुझे वहाँ के सारे नॉर्दर्न एरिया के लोग ना जितने तुम्हारे इलाके के सारे अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूँ वहाँ से कोई फास्टेस्ट बॉलर आए मेरा रिकॉर्ड तो, कोई भी कहीं से भी आए मैं उसके साथ खड़ा हूँ। इंडिया से है, गिलगित से है, कश्मीर से है, कहीं से भी दुनिया में आए रिकॉर्ड तोड़ दें मैं खुश हो जाऊँगा। अभी वो इंडिया का लड़का आया था ना मयंक, इतनी तेज़ बॉलिंग कर रहा था, सारे कह रहे हैं शोएब अख्तर रिकॉर्ड तोड़ देगा। उनको ये नहीं पता अगर शोएब अख्तर ट्रेनिंग नहीं कराएगा ना तब तक रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। ट्रेनिंग कराएगा तो रिकॉर्ड टूटेगा। अच्छा तुम खेलोगे तेज का खेलो? ट्रिक है उसकी भी भाई, शोएब अख्तर रिलीज थोड़ी ना करेंगे वो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम खेलोगे या क्या? मैं खाली बॉलिंग करके दूंगा। खेलूंगा। बैट है? बैठ दो, आ जाओ आ जाओ, बैठ दो। लेदर की बॉल है क्या? खेला खा लो पहले, ताकत ले आओ। हर बार पे छक्का मारूंगा। क्या कर रहे? इसे तो पावर आएगा। पावर से क्या होगा? वो तो ठीक है, मुझे छक्का तो फिर भी नहीं मार सकते, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन मुझे छक्का नहीं मार सकते। सचिन
भाई बच्चा है ओ, भारी भेग फुटबॉल पे आ गए बॉल बाहर गई कोई तो लेने गया होगा बाहर ओके दोस्तों आई लव यू मुझे अल्लाह हाफिज मैं चैनल को सब्सक्राइब शो भाई का व्लॉग देखना पड़ेगा अब तो आज अख्तर आपका से मिला बहुत मजा आया अल्लाह पे जाऊं सॉक तक सांप का वीडियो देखना पड़ेगा सॉक तक तर सांप का भी यार बहुत क्यूट ले रहा था बहुत क्यूट लग रहा था सॉक तक तर वैसे इस व्लॉग में पता है मेरे को शिराजी बहुत हद तक तेरे बेटे जैसा लगा मोहिउद्दीन जैसा लगा मेरे को वही आ रहा था मेरे माइंड में उसको देख रहा था वो सारी हरकतें वैसी थी एक तो नाम उसके एक्सप्रेशन भी वैसे बिल्कुल वैसे ही थे यार अब मुझे लगता है मेरे मोहिउद्दीन के ब्लॉग बनाना पड़ेंगे बाकी जो भी है भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छा ब्लॉग था और शोएब अख्तर का घर देखा और गार्डन एरिया देखा मज़ा आया देख के और शोएब अख्तर ने बड़े ही अच्छे से शिराजी को रिस्पॉन्ड किया और अच्छा लगा देख के भाई मेरे ख्याल से शोएब अख्तर ने खुद ही बुलाया होगा उनको हाँ ऑब्वियसली ज़्यादातर तो उनको इन्विटेशन ही मिल रहे हैं खुद से ही तभी तो ऑब्वियसली मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर तक ने भी बुलाया था इस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो भाई वो बंदा भी बहुत लेवल पे चल रहा है शिराजी बिल्कुल यार तो वाकई में पॉपुलर तो बहुत है इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है इनफैक्ट और शोएब अख्तर के पास आने के बाद तो और ज़्यादा फेमस हो जाएंगे क्योंकि शोएब अख्तर के चैनल के जो सब्सक्राइबर है वो इंडिया में बहुत वो इंडिया में बता ऑफकोर्स शोएब अख्तर के चैनल पे भी आया होगा इनका वीडियो एक हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं एक वीडियो बन तो रहा था साइड में उनके बच्चे बना रहे थे वीडियो बुला भी तो रहे बच्चों को बुला लो बच्चों को बुला लो शोएब अख्तर बोल रहे थे तो सही है लेट्स सी आगे क्या होता है आप बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जल्दी मिलता है अगले वीडियो में टिल देन मेक लव नॉट